Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good. So let's start today's class. Today our topic is ek aur ani. Today our topic is ek aur ani. जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वन एंड मैनी. वन एंड मैनी है टू बचन. ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? बचन. बचन इज होता है संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स. क्या बोलते हैं? नंबर्स. वचन वो होते हैं जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, है ना. जिससे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है वो कहलाते हैं वचन. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. कितने प्रकार के होते हैं वचन? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन. एक वचन को क्या कहते हैं आप? एक. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सिंगुलर. बहुवचन किसे क्या होते हैं? अनेक. इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल, है ना. तो एक वचन वो होते हैं जिन संख्या शब्दों से संख्या एक के होने का पता चलता है तो वो कहलाते हैं एक वचन. और जिन संख्या शब्दों में एक से अधिक का होने का पता चलता है वो कहलाते हैं बहुवचन, है ना. चलो मैं आपको आज एक शॉप पर लेकर चलती हूँ, ठीक है. देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, है ना. ग्रीन कलर का एक खिलौना है, ग्रीन कलर का एक खिलौना है, और पिंक कलर के दो खिलौने हैं. पिंक कलर के दो खिलौने हैं, एक चौकोर घड़ी है, एक चौकोर घड़ी है, दो गोल घड़ियां हैं, दो गोल घड़ियां हैं. यहाँ एक किताब खुली है और यहाँ चार किताबें हैं. यहाँ एक किताब खुली है, यहाँ चार किताबें हैं. तो आप ये डिफरेंसेस देखिए कि एक ग्रीन खिलौना है, दो पिंक खिलौने हैं, एक चौकोर घड़ी है, दो गोल घड़ियां है, एक लड़का एक खुली किताब है, एक खुली किताब है, और चार किताबें. क्या है यहाँ पे? चार किताबें, ठीक है. जैसे मेरे पास कितनी माला है? देखिए तीन. कितनी माला है? तीन, है ना. तो ये क्या है? एक से ज्यादा है ना, तो ये क्या हुई? बहुवचन. और जब मेरे पास एक माला ही होगी तो ये क्या होगा? एक वचन. जब मेरे पास एक माला होगी तो क्या हो जाएगा? ये एक वचन. और एक से अधिक माला होगी तो ये क्या होगी? बहुवचन, है ना. मतलब ये एक वचन है तो हम क्या बोलेंगे? माला, है ना. और जब एक से अधिक होगी तो क्या होगा? मालाए, ठीक है. अब जैसे ये कितनी पुस्तक है, है ना. किताब, एक किताब है, है ना. तो ये क्या है? एक वचन. मतलब एक ही किताब है. और जब एक से अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगी? बहुवचन. जब एक से अधिक किताब होगी तो क्या हो जाएगी? बहुवचन, है ना. जैसे आप आसमान में तारे देखते होंगे, अब ये क्या है? स्टार है, है ना. तो हम क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? तारा. ये या एक तारा है. जब हम बहुत सारे स्टार्स की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आसमान में बहुत सारे तारे हैं, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, है ना. अब खिलौना, ये क्या है? एक वचन. मतलब एक खिलौना, मतलब एक खिलौने की बात कर रहे हैं, है ना. जब हम एक से अधिक खिलौने की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? खिलौने. मतलब जब एक खिलौने की बात हो रही है क्या कहता? खिलौना. जब एक से अधिक की बात हो रही है तो खिलौने, है ना. फिर घड़ी, यहाँ मेरे पास एक चौकोर घड़ी है. जब एक से अधिक घड़ी की बात हो रही है तो क्या जाएगी? घड़ियाँ. घड़ियाँ, हियर इट इज
घड़ी है ना, या में घड़ी की मात्रा है, और जब हम एक से अधिक घड़ी की बात करेंगे तो ड में छोटी की मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पे रहेगा या घड़ियां है ना। फिर किताब क्या है, किताब यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है, और जब एक से अधिक होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किताबें किताबें है ना। क्या है यहाँ पे सिंगल वाला, और यहाँ पे क्या जाएगा बे, किताबें। माला यहाँ पे एक माला की बात हो रही है, जब एक से अधिक माला की बात हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ये माला में, जब एक से अधिक माला की बात होगी तो क्या हो जाएगा माला ए ना, तो क्या था खिलौना खिलौने, घड़ी घड़िया, किताब किताबें, माला मालाए। ठीक, तो समझ में आया आपको कि एकवचन और बहुवचन में क्या डिफरेंस है ना। जब एक होगा मतलब जब हम एक किसी भी वस्तु या स्थान की बात करेंगे तो कैसा होगा, इस तरीके से खिलौना घड़ी किताब माला, जब एक से अधिक की बात करेंगे तो क्या कहलाता है बहुवचन है ना, जैसे खिलौने घड़ियां किताबें और माला। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।